तो उत्तर प्रदेश इस समय बेहद भयावह दौर से गुजर रहा है। बेमौसम बरसात और अप्रत्याशित बाढ़ ने लोगों की जीवन शैली पर भयंकर ग्रहण लगा दिया है। कुल मिलाकर आंकड़ों की माने तो सूबे के 15 जिलों में 1500 से अधिक गांवों की लगभग 25 लाख की आबादी इस समय बाढ़ से प्रभावित है। हालांकि बाढ़ ने जो जख्म लोगों को दिए हैं, उन जख्मों में उत्तर प्रदेश सरकार मलहम लगाने की भरपूर कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश इस समय बेहद भयावह दौर से गुजर रहा है। बेमौसम बरसात और अप्रत्याशित बाढ़ ने लोगों की जीवन शैली से लेकर जीवन तक पर भयंकर ग्रहण लगा दिया है। कुल मिलाकर आंकड़ों की माने तो सूबे के 15 जिलों में 1500 से अधिक गांवों की लगभग 25 लाख की आबादी इस समय बाढ़ से प्रभावित है। फिलहाल राप्ती से लेकर सरयू घाघरा तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि बाढ़ ने जो जख्म लोगों को दिए हैं, उन जख्मों में उत्तर प्रदेश सरकार मलहम लगाने की भरपूर कोशिश कर रही है। सरकार के नुमाइंदे जहां अब तक लोगों तक मदद पहुंचाने में लगे थे, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब खुद ग्राउंड जीरो पर लोगों के बीच नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर मैसेज साफ है, आपकी सरकार आपके साथ हर सुख दुख में खड़ी है। हवाई सर्वेक्षण हो या लोगों में राहत सामग्री बांटना, हर चीज पर मुख्यमंत्री की बारीक नजर है। बस्ती, मुख्यमंत्री गुरुवार को बस्ती जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद हरैया तहसील के हिंगापुर में सर्वोदय विद्यालय परिसर में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांट रहे थे। इस दौरान पीड़ितों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि हर पल सरकार उनके साथ है और किसी को भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आपदा के समय में भारत सरकार और राज्य सरकार भी आपके साथ में है। हर संभव सहायता करने के लिए, आप सबको आश्वस्त करने के लिए ही आज यहाँ पर मैं भी, यहाँ के माननीय सांसद जी भी, माननीय विधायक जी भी, विधान परिषद के सदस्य समेत सभी पूर्व वर्तमान जनप्रतिनिधि आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से संकट के समय में आपके साथ खड़ी होगी। जिला प्रशासन को हम निर्देश करेंगे कि अगले 2-3 दिन के अंदर हमारा प्रयास हो कि हर पीड़ित तक राहत सामग्री, जैसे यहाँ पर ये पैकेट बनाए गए, ये पैकेट हर एक घर तक, हर परिवार तक पहुंचे। संत कबीर नगर में मुख्यमंत्री ने साफ किया कि राहत सामग्री का हर पीड़ित तक ससमय वितरण सुनिश्चित किया जाए, फसलों का समय पर सही जायजा लिया जाए ताकि अन्नदाता किसानों को क्षतिपूर्ति की धनराशि नगद भुगतान की जा सके। जिन बाढ़ प्रभावित गांवों में भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं है, वहां पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की जाए। सीएम ने कहा कि आपदा में जिन लोगों ने भी अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति सरकार की पूरी संवेदना है। मैं आप सबको आज के इस अवसर पर आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि संकट की इस घड़ी में सरकार, केंद्र और राज्य दोनों आपके साथ में है। मैंने अभी जिलाधिकारी से ये कहा है कि तटबंध के उस पार जितने गांव हैं, अगर उन्हें हम तटबंध के इधर कहीं बसाने की व्यवस्था कर सकते हैं तो हमें उस पर भी विचार करना चाहिए, जिससे हर वर्ष आने वाली बाढ़ की त्रासदी से इन लोगों को बचाया जा सके। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से अपने जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि जो भी बाढ़ से पीड़ित है, पहली प्राथमिकता, अगले 2 दिन के अंदर काफी राहत मिलेगी लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए इन सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हम लोग राहत उपलब्ध करवाते हैं, सुरक्षित स्थान पर बचाने की, फिर उसके बाद की प्लानिंग करें। और यहाँ पर हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन के अधिकारीगण, पुलिस के अधिकारीगण आपकी सेवा में पूरी तत्परता के साथ कार्य करेंगे। सिद्धार्थ नगर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर में कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है, लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि अक्टूबर महीने में हम सब ने पहली बार इतनी अप्रत्याशित बाढ़ देखी है, इसके बावजूद किसी को भी घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रकृति की त्रासदी का सामना कर राहत देना सरकार की प्राथमिकता है। मैं आप सबको
किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक, हल्दी, मिर्च मसाले, 5 लीटर केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, एक पैकेट मोमबत्ती, माचिस, बिस्किट, रिफाइंड तेल और क्लोरीन की टैबलेट के साथ साथ उन्हें स्नान के साबुन भी उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक जिले के प्रशासन को निर्देशित किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पशुओं को भी प्रतिदिन 5 किलो चारा की व्यवस्था हो जाए।